नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद देने वाला अपना हाथ खुद आगे बढ़ाता है देने के लिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ तुम, भले मत मांगो। जिसने हाथ आगे बढ़ाकर शंकर भगवान पर जल चढ़ाया है, मेरा महादेव हाथ आगे बढ़ाकर उसकी झोली भर देता है, ये निश्चित है। राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को, घर में जितने भी देवी देवता हैं उनका जब हम पूजन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तो आपको हाथ लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं की वहीं आप भगवान को स्नान करा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जिनको जल चढ़ाने के लिए आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। हम जब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं देने के लिए, तो महादेव भी अपना हाथ बढ़ाते हैं सब कुछ लुटाने के लिए। आप उसके बल पर, वो प्रदान करता, वो देता। महाराज सरस्वती जी ने मांगा मुझे कुछ वर दीजिए, दे दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप बोलिए मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए, क्या करूं मैं आपके। बस इतना करिएगा, मेरे दरवाजे पर कोई आए उसके मन की बात मुझे बता दीजिए। प्रसाद लेने वाला और देने वाला दोनों में अंतर होता है। मैं बहेड़िया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। पुत्र काव्य की स्मृति में यह कथा चल रही है और आपका जो आत्मीय प्रेम यहां पर आए हुए भक्तों के प्रति, जो रात को 5-5, 10-10 हजार 15-15 हजार लोग यहाँ ठहर रहे हैं, उनको सुबह चाय बिस्कुट, फिर भोजन, रात्रि को सब सोते हैं तब सुंदर दूध उकलवाकर सबको गिलास भर भर कर दूध पिला देना, रात भर चाय चला देना, मैं बहेड़िया परिवार को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा तो बहुत देखी और बहुत करी, पर यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था दी है, यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था प्रदान करी है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं दी। एक देखी थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, बसंत जी अग्रवाल ने कराई थी, एक खरगोन में, वो कौन परिवार था जिन्होंने खरगोन में कराई थी। समिति कराती है तो समिति अपने हिसाब से व्यवस्था करती है, एक अकेला यजमान जब कथा कराता और वो यजमान इतनी व्यवस्था देता है, तो बहुत भोलेनाथ जी से हम हर पल यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको इतना देना कि ये दोनों हाथों से ऐसे ही लुटाते हैं, ऐसे ही कृपा करें। ये करुणा है भोलेनाथ जी की, ये दया है भोलेनाथ जी की, ये उदारता, ये करुणा है भोलेनाथ बाबा, ये दया। और फिर कहकर जा रहे हैं इस व्यासपीठ से, इतना जरूर कहूंगा, जहां जहां शिव पुराण कथा करी है वहां वहां से लोगों ने डबल से फोन लगाया है कि एक बार शिव पुराण फिर दे दीजिए। मेरा बाबा शिव पुराण कराने के बाद इतनी कृपा कर देता है, इतनी दया कर देता है कि जितना लोग बाबा के लिए खर्च करते हैं उससे 1000 गुना बाबा फिर दे देता है। यह शिव कृपा, ये उदार, ये करुणा, बाबा फिर दे दे, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। महाराज प्रसाद मांगा जाए वो एक अलग प्रभाव है, प्रसाद देने वाला आवाज लगाए ए भैया इधर आओ ले प्रसाद लेकर जाओ, कितना सुंदर कहा है
स्कंद पुराण के अंदर एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण का एक संवाद की सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता। तो लोगों ने पूछा ये कैसे चले जाता है, तो कहा प्रसाद धर्म की जगह पर बटता है। प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बटता है जहां भगवान का सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, मंत्र माला स्मरण हो, कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान हो, मंदिर देवालय हो, प्रसाद वहां बटता। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, इसलिए वो नरक चले जाता है। पर आज इतने समय के बाद प्रसाद शिव महापुराण में एक बात फिर कहने जा रहे हैं, स्कंद पुराण की, पद्म पुराण की, गर्ग संहिता की और शिव महापुराण की एक बात आज आप लोगों को कहने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं कही। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा प्रसाद देने वाला व्यक्ति जब किसी को बुलाकर अपना हाथ लंबा कर प्रसाद देता है तो वो भगवान विष्णु के बैकुंठ द्वार में, भगवान विष्णु के बैकुंठ में जहां माता लक्ष्मी जी भोजन बनाती है, लक्ष्मी जी भोजन बनाकर रख देती है, परसने का कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो हाथ लंबा कर बुलाकर प्रसाद। और हमने देखा यहाँ बहेड़िया परिवार जो कथा करा रहा है, हमने छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के, हम लोग तो कभी रसोई घर जाते नहीं तो गए भी नहीं, तो हमने उसमें वीडियो में देखा कि कई माताएं बुला कर दे रही, भैया चाय लो, उधर से बिस्कुट लो, भैया आओ इधर आओ, चाय लो, उधर बिस्कुट रखा है, बिस्कुट लो, लो दूध प्रसाद लो, लो भोजन प्रसाद लो, ये बुलाकर जो दे रहे हो। तो हम पूर्ण भरोसे से कह सकते हैं कि बैकुंठ में लक्ष्मी जी तो बनाएगी पर नारायण को भोजन आप ही खिलाओगे, ये निश्चित है, ये विश्वास है आप, ये जागरूकता है। जब बड़ी बड़ी कथाएं का आनंद लेते हैं तो रोड पर भी लोग स्टॉल लगाते हैं, कोई पोया बांटता है, कोई चाय बांटता है, कोई हलवा बांटता है, कोई सामान बांटता है, आवाज लगा के भैया आओ इधर आओ ये लेकर जाओ, सालासर जी जाओ सालासर जी में मेला हो, खाटू श्याम जी जाओ खाटू श्याम जी का मेला हो, सांवरिया जी जाओ सांवरिया जी का मेला हो, आप चारभुजा जी जाओ चारभुजा जी का मेला हो, बड़े बड़े सेठ स्टॉल लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, आओ लेओ जाओ, दोनों हाथों से लुटाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी शिव महापुराण दिल से सुनी होगी कि हाथ लंबा कर देने वाले के लिए मेरा महादेव हाथ लंबा कर करोड़ों लुटा देता, यू दे देता, ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। और हम भी इस बड़ौदा की धरा से, बड़ौदरा से सीख कर जाएंगे बहुत कुछ कि 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है, रुद्राक्ष का वितरण और रुद्राक्ष महोत्सव का जो आनंद होने वाला है फरवरी में, हम भी प्रयास करेंगे कि जैसा बहेड़िया परिवार दोनों हाथों से दिल से हम कहना चाहेंगे जहां जहां पर कथा करी है सबसे, कि दिल से आप भी आकर आनंद के साथ हाथ लंबा कर खूब लोगों को खिलाओ, चाय पिलाओ, चाहे पोहा खिलाओ, चाहे हलवा खिलाओ, दिल से लुटाइए आनंद के साथ, ये सीख कर जाए और हम भी पूर्ण आनंद के साथ उस कथा करस तत्व पूर्व में अति भीड़ होने के कारण बस, परंतु अब की बार व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से करें जिससे आप लोगों को रुद्राक्ष अच्छे से प्राप्त हो जाए और उसका आनंद आपके जीवन में मिले।